गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ जगन ने सामूहिक दुराचार व परिजनों की सामूहिक हत्याओं के 11 अपराधियों को वापस जेल भेजने की मांग को लेकर प्रदर्शन मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर शांतिपूर्ण जन धरना कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सामाजिक व महिला संगठनों, राजनीतिक पार्टियों व ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधिगण व सम्राट नागरिक एक सुर में मांग करते हैं कि गुजरात के बिल्किस बानो मामले के सभी 11 अपराधियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई माफी को रद्द कर जनहित, न्यायहित व महिला सुरक्षा व सम्मान हित में तत्काल पुनः जेल भेजा जाए। इंसाफ मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी से नहीं है, ये एक इंसानियत को फेरफार करने वाला मुद्दा है। ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, संज्ञान में लाना चाहूँगा कि गुजरात सरकार ने जो एक इन 11 मुजरिमों को छोड़ा है और उसमें दलील रखी है कि ये लोग वरिष्ठ हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं, ये सब गलत है, ये एक सियासी मुद्दा है उनका अपना जाति, क्योंकि अगर वरिष्ठ है तो जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जेल की जानकारी है, हर जिले की जेल में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी सांसें आखिरी सांसें गिन रहे हैं और 60 साल 70 साल की उम्र है उनकी, लेकिन उन्हें किसी तरह की रिहाई माफी सरकार के द्वारा नहीं मिल रही है। ये केवल एक सियासी ट्रेंड है जो उन्होंने एक कार्ड खेला है और मैं यही मांग करूंगा कि जन धरने के माध्यम से भी और जाति माध्यम से भी कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन 11 जो मुजरिम हैं, कातिल हैं, बलात्कारी हैं, इनकी जो गुजरात सरकार ने माफ़ी देके इन लोगों को रिहा किया है, तुरंत उनकी माफीनामे को खारिज करके उन्हें जेल में रखा जाए और जेल में ना रखा जाए बल्कि जेल में मशक्कत कराई जाए, उनसे काम कराया जाए। मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी धर्म जाति मजहब को ना मानते हुए इंसानियत के नाते लोग उसमें शरीफ हो और अपनी बात को रखें। आज के धरने के लिए मैं हरकिशोर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ऊपर वाला उनकी उम्र भी लंबी करे, इस तरह के मुद्दे नहीं हर तरह के मुद्दों को उठाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज तीन अगस्त है, सितंबर है, 3 मार्च को उस औरत को हमला किया गया, उसके माँ और उसके परिवार को भी तथा जितनी महिलाएं थी सबको उसे बढ़ावा होगा। उसके जिसम में इतने जख्म थे, इतने जख्म थे तो नहीं हजारों जैसे उस दिन तरह ही होगी, उसमें हिम्मत भी होगी। आज हम लोग समाज में रहने हमारे साथ कानून है, 19 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कानून हमें हक मिला हुआ है कि हम बिल्कुल भी कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकते नहीं करते, क्योंकि डरते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी क्या हुआ कानून के साथ समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष ने क्या हुआ गिरफ्तार कर लिया मेरे भाई, क्यों मजाक डाल रहे थे। अरे हमें कॉन्स्टिट्यूशन हक मिला हुआ है, उन्होंने जो जमानत कराई पड़ी बेचारों को अपनी, और इनका देखिए इनको जिस जगह इन्होंने खेल खेला था, ये गंदा काम किया था, वही उसी जेल में डाल दिया गया ताकि उनके खूब अच्छी तरह से खाते सवाल तो होती रहे गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात ही खेल गया। मैं ये सवाल करती हूँ कि उन्हें जो है उसकी और देश को नहीं भेजा गया, गुजरात की रखा गया, इसलिए जब 15 तक मजाक बनाएंगे हम ऐसे भी का मजाक बनाएंगे जिस दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं, हम ऐसे भी का मजाक बनाएंगे जिस दिन हम ये याद करते हैं कि हमें याद आके कितनी मुश्किलों में मिली है, वो एक झंडा हम किसके कैसे बनाए और कैसे फहराया गया है उसका मजाक बना लीजिए। जब हर घर में झंडा लगवा दिया गया
और धंधे का ही अपमान कर दिया। मैं ये कहती हूँ, जैसे अभी कहा जा रहा है, वक्ता कह रहे हैं कि उनको आप किसी तरह की छूट देने की जरूरत नहीं, कोई रेमिशन उनके साथ नहीं होना चाहिए, उन्हें सीधे सीधे उन्हें डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। एक बात बताए, एक मिसाल है आपके सामने, इससे पहले जो केस हुए हैं कांग्रेस के जमाने में, उन्हें ये बताइए सेंटर ऑफ डेथ देखिए, इंडिया कांड पर लीजिए, रेलवे कांड पर 5 अभियुक्त थे, एक जुमिलाई था, एक ने खुदकुशी कर ली जेल के अंदर, 4 को फांसी, 3 को फांसी मिली कि नहीं मिली, तो फिर इनके साथ इतना बढ़ावा हो रहा है कि इनके आर्थिक मार्थिक सब हो रही है और किसी को एहसास नहीं हो रहा है कि किस मामले में हो रहा है। अभी हमारे देश में जीत कराते हैं हमारे किसी का कौन करते हैं उनका सम्मान चाहते पहुंचो वहां पे करो उनका सम्मान, जो महिलाएं जीत के लाती है कमरे पहुंचो बिल्किस बानो केस पर यहाँ पर धरना है। एडवोकेट सेंटर ऑफ इंडिया का धरना था, उसमें हमने भी शिरकत करी है, मैं असिल भी जनकल्याण सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो मुद्दा है बड़ा अहम मुद्दा है, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, ये मुद्दा एक इंसानियत का मुद्दा है, क्योंकि ये जो घटना है 11 दोषियों को छोड़ने वाली, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। अगर वरिष्ठ के नाम पर छोड़ा गया है, अगर किसी ने किसी और बात पर छोड़ा गया है, तो हर जेल के अंदर 50-100 इस तरह के लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल है और मरने की कगार पे है। अगर सरकार को किसी ने छोड़ना था तो ऐसे लोगों को छोड़े, ना कि ऐसे बलात्कारियों को छोड़े। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करूँगा कि इस तरह की घटना क्या है, किसी भी धर्म जाति के लिए हो, इस तरह के दोषियों को अगर छोड़ा जाता है तो उसका सभी लोग विरोध करें, भरपूर तरीके से विरोध करें। और मैं इस धरने के माध्यम से यही मांग करना चाहूँगा कि हमारी महामारी राष्ट्रपति इसके अंदर संज्ञान लेते हुए उन 11 दोषियों को जिनको छोड़ा गया गुजरात सरकार की तरफ से, उन्हें तुरंत कैंसिल करके उनकी माफीनामे को तुरंत उनको जेल में डाला जाए। शुक्रिया।